ये मेरा यूपी स्टेट का एक सर्टिफिकेट है, ये आप देख सकते हैं। ये मेरा यूपी स्टेट का दूसरा सर्टिफिकेट है। एनसीसी वालों को भी वही वरीयता दे रहे हैं और आम लड़के को भी वही वरीयता दे रहे हैं। क्या इंसाफ है इनका, ये बताओ पहले तो। या तो उन्हें छूट मिलनी चाहिए फिर। ये बिल्कुल एनसीसी हमने कर रखी, हमें तो कोई छूट नहीं मिली। और ये मेरा यूपी स्टेट का तीसरा सर्टिफिकेट है। और ये मेरे डिस्ट्रिक्ट मंडल सबके मेडल लेंगे। सरकार कहेगी ना, कोई कुछ कहेगा, वो भी बेचारे कुछ नहीं, इतना बड़ा पेट लेके घूम रहे हैं वो लोग। ये देश के लिए मर रहा है, वो देश के लिए कुछ नहीं कर रहा। राजकूत दौड़ाने से पहले सीओ साहब ने नुकैया ना, तुम्हारा बैच फेल होगा। क्यों हुआ हमारा बैच फेल बताओ। दिन भर ट्रैवल करा, रात में आके कीचड़ में बैठे, रात भर उनकी माँ बहन की गालियाँ सुनी, ग्राउंड में बैठे तो उनकी माँ बहन की गालियाँ सुनी, रेस मारे तो उनकी माँ बहन, यहाँ मारा मेरे डंडा, यहाँ हम कुछ बोलेंगे हमारे ऊपर केस कर देंगे। लेखपाल की हर साल वैकेंसी निकलती है, क्या आप यूट्यूब पे डालिए, कहीं भी देख लीजिए, हर साल वैकेंसी लीक होती है। अभी SI की निकली, वो लीक हो गई, कॉन्स्टेबल की निकली, वो लीक हो गई। क्या है इस देश में? सर अपना काम को ईमानदारी से करना ही नहीं चाहता इस देश। जो भी कर रही है ना, नहीं, एक मिनट रुक जाओ। सरकार जो कर रही है ठीक है, हमारे साथ जो करा हम सब भाई जानते हैं। 4 साल की करी है, आर्मी है 4 साल की, पुलिस की करो ना 4 साल की। इतना बड़ा पेट लेके घूम रहे हैं वो लोग। चोर एक रैपटा मारते तो पुलिस वाले ना पकड़ पाए उसको। आर्मी वालों, यार युवा है ये सब, है ये देखिए। ये वीडियो आप मुजफ्फरनगर आर्मी भर्ती का वीडियो है और इसमें जो युवा अपने सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, ये नेशनल टीम के खिलाड़ी हैं, यानी इन्होंने नेशनल स्तर तक का गेम खेला हुआ है, जहां पर ये मेडल्स भी दिखा रहे हैं और सर्टिफिकेट भी दिखा रहे हैं। और ये भी बोल रहे हैं कि अगर मैं प्लेयर हूँ तो एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट हो, हम में फिर अंतर क्या है जब सबको एक नज़र से देखा जाता है। वहीं पर NCC के जो कार्ड होल्डर हैं, जिन्होंने NCC ले रखा है, वह भी यही बोल रहे हैं कि हमको भी जनरल कैटेगरी में खड़ा कर रहे हैं और NCC के बालों को भी जनरल कैटेगरी में खड़ा कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें, ये कोई पहला भर्ती केंद्र नहीं है, यानी मुजफ्फरनगर पहला भर्ती केंद्र नहीं है जहाँ से पाओ की काफ़ी सारी शिकायतें आई हैं। काफ़ी सारे, बात करूँ तो अग्निपथ स्कीम के तहत जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं युवाओं की, कहीं ना कहीं अग्निपथ स्कीम को लेकर के शिकायत अवश्य रही है, चाहे वो रनिंग से हो या फिर शारीरिक मापदंड से हो या फिर डॉक्यूमेंटेशन चेकिंग से हो। युवाओं की कंप्लेंट शुरू से आती रही हैं, लेकिन सरकार का इस पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ। और युवाओं की बात भी ठीक है कि अगर आपको अग्निपथ स्कीम लागू करना था तो प्रदेश की जो पुलिस है उनके ऊपर लागू कीजिएगा, जो कि अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। और उनको तो आपने पूरा 60 साल की सर्विस दे रखा है और जो एक देश के लिए मरने जा रहा है, देश के खातिर अपनी जान हथेली पर रख कर के आगे बढ़ता है, उसको 4 साल के लिए सेना में मौका दिया जा रहा है। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को भी लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं आर्मी एग्जाम या आर्मी भर्ती से जुड़ी हर अपडेट आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। यदि आपकी कोई क्वारी है तो मुझे कॉमेंट अवश्य करें। इसी के साथ सभी साथियों को जय हिंद।